मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। श्याम आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब एक नई शुरुआत, एक नई पहल आप सभी के लिए कि तत्काल ही आपको एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आईएएस प्रीलिम्स के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, प्लस आगामी जो प्रश्न बनने की संभावना है, साथ ही साथ अभी हाल ही में जो तत्काल में कुछ परीक्षाएं आपकी होने वाली हैं, जैसे कि आरओ का एग्ज़ाम है और बीईओ का एग्ज़ाम है, इन सभी परीक्षाओं के लिए जल्द ही आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। प्रैक्टिस सेट के साथ ही जो कुछ रिवीजन के लिए तत्काल में आपको ज़रूरत पड़ती है, करंट अफेयर्स से लेकर के या फिर अन्य विषयों के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक परीक्षा की दृष्टि से उस पर भी नज़र डाली जाएगी। एक बेहतरीन पहल की अब शुरुआत हो चुकी है और साथ ही आपका जो डेली करंट अफेयर्स का श्रृंखला है वो अब सुबह 7 बजे से आपको दिया जाएगा। तो सुबह 7 बजे डेली करंट अफेयर्स, और इसके साथ ही शाम को प्रतिदिन आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। और जो भी आवश्यकता है इसमें एग्ज़ाम को लेकर के, आप ज़रूर उसको जो है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और इसके साथ ही हमको जो है व्हाट्सएप करके भी सूचना आप दे सकते हैं, हमसे बात भी कर सकते हैं। नो डाउट आप जान रहे हैं, विद्यार्थी हमारे आप रह चुके हैं या फिर जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वो, उनके लिए भी। तो आइए हम लोग आज डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आज से ये पहल, हालांकि आज एक वीडियो थोड़ा सा लेट में आपको दिया जा रहा है, लेकिन कल से जो है ये समय से हो जाएगा, यानी सुबह 7 बजे अब हम लोग डेली करंट अफेयर्स पे डिस्कस करेंगे, और हर शाम को यानी 5 बजे आपको एक प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जाएगा। उसके बाद रात्रि में अगर कोई क्लास संभव हो सकती है जो आपका रिवीजन बेस्ड क्लास होगी तो वो रिवीजन करा दिया जाएगा। अभी व्हाइट बोर्ड पे क्लास आपको नहीं दे पा रहा हूँ, आप जान रहे हैं कि लॉकडाउन की स्थिति में उस तरह के संसाधन ये आप ही के सहयोग से संभव हो पाएगा, तो कुछ साथियों ने सहयोग भी किया जिससे आपकी क्लास हो पा रही है। आइए देखते हैं कौन सा भारतीय क्रिकेटर हितों के टकराव के दायरे में आ गया है। तभी हाल ही में एक चर्चित खिलाड़ी हैं जो भारतीय क्रिकेट टीम के महत्वपूर्ण बल्लेबाजों में से एक हैं, तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, शिखर धवन और रविंद्र जडेजा। तो ये जाने माने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली जो है इसमें इस दायरे में आ गए हैं, क्योंकि आईसीआईसीआई जो जो बीसीसीआई है हमारे क्रिकेट टीम की, उसने जो है इस पर आपत्ति दायर की है कि ये हमारे जो संविधान है उसका उल्लंघन है। क्या क्या रीज़न है? तो ये विराट कोहली स्पोर्ट्स इनकी एक कंपनी है, और उसके बाद कनस्टोन वेचर पार्टनर्स, ये दो कंपनियां हैं, इन दोनों के बीच में आपसी हितों के टकराव के कारण ऐसा एक मामला आया है। हालांकि बहुत ये करंट इश्यूज में बने हुए मुद्दे हैं, इससे प्रश्न कुछ और भी तरीके से बन सकते हैं, वो क्या बनेंगे आने वाली अभी प्रैक्टिस सेट में हम आपको बताएंगे। कौन सा राज्य सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है? भारत का वह कौन सा राज्य है जो सभी घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला राज्य बन चुका है? उत्तराखंड, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। तो एलपीजी आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो कि भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल थी, जिसके तहत हमें जो प्रदूषण मुक्त, धुएं से मुक्त रसोई घर सबको प्रदान करना था। खास तौर से जो मजदूर वर्ग है उन पे विशेष ध्यान दिया गया था इस योजना के तहत, और ग्रामीण एरिया में अधिकांश लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास था। बीपीएल परिवार धारक जो परिवार की महिला मुखिया है उसको जो है प्रोवाइड कराया जा रहा था। आपने उज्ज्वला योजना के प्रचार में देखा भी होगा कि महिला का ही एक फोटो आता है हमेशा, तो उसका रीज़न यही है। तो इस में जो है हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर आ गया है कि जो हर घर जो है एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो ये उज्ज्वला योजना के दृष्टिकोण से हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने निजी संगठनों में स्थानीय युवाओं के लिए 75% आरक्षण की मांग वाले एक अध्यादेश को मंजूरी दी है? तभी हाल ही में लॉकडाउन की स्थिति में जो ये स्थितियां बन रही हैं, आप जान रहे हैं कि
इस लॉकडाउन में सबसे बड़ा नुकसान भारतीय अर्थव्यवस्था को हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरे ग्लोबलाइज स्तर पे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था का नुकसान झेल रहा है, चाहे वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, स्विट्जरलैंड हो, जितने भी देश दुनिया के विकसित हैं सभी देशों का नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भारत के भी अर्थव्यवस्था की क्षति हो रही है, लगातार जारी है। इस स्थिति में हरियाणा सरकार ने ये डिसीजन लिया है, तो इसमें जैसे एक विकल्प था आपका गुजरात, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा। तो हरियाणा सरकार ने डिसाइड किया है कि हमारे राज्य के जो युवा हैं उनको निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां उनके लिए हो, बाकी अदर स्टेट के लिए 25%। तो अब ये भी जाने हैं कि NCR का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है, जो केंद्र ये राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र कहाँ पर आता है, हरियाणा में है। लगभग आधा हरियाणा, जैसे उसमें लगभग 26 जिले हैं, उसमें से लगभग 13 जिले जो है नियर अबाउट इसमें आ चुके हैं NCR में। तो एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। तो ऐसे में इस राज्य सरकार का डिसीजन लेना, हालांकि वहाँ स्थानीय स्तर पर तो अच्छा होगा, और भी राज्यों के लिए जो प्रवासी मजदूरों के लिए है वो बेहतर नहीं होगा। हालांकि ये निर्णय आ चुका है, मंत्रिमंडल द्वारा पारित हो चुका है। भारत ने MSME के आपातकालीन कार्यक्रम के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया संगठन के साथ 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आप जान रहे हैं COVID-19 यानी कोरोना वायरस के दौर में जो हमारा आपकी दूरियां बनी हुई हैं, ऑफलाइन क्लासेस हमारा आपकी नहीं हो पा रही हैं, उसका रीज़न यही बन रहा है। तो कौन से संगठन है? पहला विकल्प जैसे आपका IMF है, दूसरा वर्ल्ड बैंक है WB, और दूसरा UN यानी संयुक्त राष्ट्र है, और चौथा आपका ADB है यानी जो एशियाई विकास बैंक है। तो इसमें वर्ल्ड बैंक के साथ भारत का एक करार हुआ है 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर इस COVID-19 यानी कोरोना वायरस के सहयोग के लिए। तो एक बड़ी राशि का जो है आपको मिलने जा रही है, यानी देश को मिलने जा रही है, अर्थव्यवस्था को मिलने जा रही है, इस स्वास्थ्य के सुधार के लिए। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को जल्द ही राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलेगा, यह किस राज्य में स्थित है? त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, असम। तो असम आप जान रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों के लिए काफ़ी चर्चित है। अभी 4 माह पहले नहीं, लॉकडाउन से पहले की जो स्थिति थी उसमें असम का कुछ क्षेत्रों का दौरा किया गया। तो असम वन्यजीव संपदा से संपन्न राज्य है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या, जो वहाँ स्थानीय स्तर पर ये राष्ट्रीय उद्यान था, अब इसको जो है नेशनल स्तर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिलने जा रहा है, पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को। किसको? पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए एक रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र। तो ये महाराष्ट्र सरकार की पहल है कि हर राज्य अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं। इस लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरियों का वापस आना, खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार के लिए, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों के लिए काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो कि आपके दिल्ली, मुंबई, गुजरात के विभिन्न शहरों में, या फिर कर्नाटक, गोवा या केरल के विभिन्न शहरों में रहते थे, वो अब भारत यानी अपने राज्य वापस आ चुके हैं। तो ऐसे में राज्यों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, और महाराष्ट्र के लिए चुनौती ये भी कि प्रवासी मजदूर वहाँ से अब जा चुके हैं, वहाँ की इंडस्ट्रियों को जो है पुनः चलना बड़ा ही मुश्किल कार लग रहा है। तो ऐसे में ये पोर्टल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इन JT श्रीनिवासन को किस प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? बैंक, SIDBI, IFSCA और SCU। तो ये IFSCA के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन के मानव परीक्षणों के लिए पंजीकरण किस तारीख से शुरू हुआ? 7 जुलाई, 6 जुलाई, 5 जुलाई, 1 जुलाई। तो भी 7 जुलाई यानी शुरू हो गया निकल से। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण कुछ करंट अफेयर्स जिन पे हम लोग डिस्कस किए। अब ये प्रक्रिया अब हर दिन जारी रहेगी, रेगुलर चलती रहेगी, और आपका साथ भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर लाइक और शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।